क्या भगवान ने एक ऐसा जीव बनाया है जो सोच भी सकता है? खतरे की बात है, देखें तो सही उसे। तो ये सोचता है, मगर हम नहीं चाहते कि ये सोचे। देखें वो इस बारे में क्या सोचता है। ये तो सब मुसीबतों का सामना कर गया, मगर इस मुसीबत का असल मुसीबत तो अब शुरू होती है। माँ बाप ने पैदा किए बच्चे, बच्चों ने माँ बाप बनकर पैदा किए और बच्चे। आदमी की उत्पादन शक्ति कुदरत की विनाश लीला से टक्कर लेती रही और धीरे धीरे आदमी जीतता गया। अपने रहन सहन को अच्छा बनाने के लिए उसने सुख के साधन निर्माण किए। उसने अपने भीतर के और बाहर के दुश्मनों का सफाया किया। पैदावार बढ़ाने के लिए उसने खेत में मेहनत की। उसने नदियां पार की नगर बसाने के लिए और पुल बनाए नदियां पार करने के लिए। जहाज बनाया दुनिया की सैर करने के लिए और फिर वहीं पहुंचने जहां से निकला था। उसे उद्योगी होना पड़ा क्योंकि यही जमाने की नई मांग थी। मगर एक उद्योग ऐसा था जो उसे बहुत प्यारा था। Oh, my God.
और इस दौड़ में जीत हुई उस उद्योग की जहां रुकावट ही न थी। क्या कहा? रहने को मकान नहीं? इतने सारे तो मकान बने ही। मकान तो बने हैं मगर परिवार भी तो बड़े हैं। खाने की भी यही हालत है। देश में भरपूर अनाज पैदा हुआ है। हुआ है पर खाने वाले कितने पैदा किए? किए हैं ना, लेकिन लेकिन ये तो निजी मामला है। मगर देखा नतीजा इसका क्या हो रहा है? वो तो सपना देख रहा है, सोच नहीं रहा है। क्या सिर्फ ये सपना ही रहेगा? सपना मिट जाता है मगर सच्चाई नहीं मिटती। बचाओ बचाओ बचाओ, मदद मदद। कैसी मदद? भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जमाने की नई मांग को समझो, उतने ही बच्चे पैदा करो जितनों का अच्छी तरह पालन पोषण कर सको। दो या तीन बच्चे बस।